डॉलर बढ़ा तो रुपए की बेकदरी के असरात भी सामने आने लगे हैं। गरीबों के लिए हज करना भी महंगा हो गया। डॉलर की कीमत बढ़ने से हज पैकेज में 1 लाख रुपए तक के इजाफे का इम्कान पैदा हो गया। यासीन मलिक रिपोर्ट करेंगे। डॉलर की कीमत में इजाफा, मजहबी फरीजे की अदायगी भी मुश्किल होने लगी। हज पैकेज में 1 लाख रुपए तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि हज पॉलिसी 2019 का ऐलान रवा हफ्ते में मुतवक्के है। वजारत मजहबी उमूर ने हज पैकेज पर सब्सिडी देने के लिए महकमे खजाना को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि डॉलर महंगा होने से हज अखराजात बढ़ गए हैं। हज पैकेज को कम करने के लिए फी हाजी 40,000 रुपए की सब्सिडी दी जाए। ज़राए का मजीद कहना है कि सब्सिडी मिलने की सूरत में हज पैकेज के अखराजात 3,80,000 रुपए होंगे, जबकि सब्सिडी ना मिलने पर हज पैकेज 4,20,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने भी हज किराया बढ़ा दिया, जिसके बायस फी हाजी 10,000 रुपए का बोझ बढ़ा है। रवा साल हज के लिए PIA, सऊदी एयरलाइंस और एयर ब्लू हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। कैमरा टीम के साथ यासीन मलिक, लाहौर न्यूज़।